ये हमारे लोको पायलट सुभाष जी और कपिल जी, सूरतगढ़ स्टेशन पे से मुलाकात हुई हमारे स्टेशन पे। विदाई हो रही है, लास्ट डे हमारा आज, हमारे सर का हमारे साथ में, तो अच्छा तो नहीं लग रहा जाते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका घर है। अरे सीनियर लोको पायलट सेंटर का बहुत बहुत पराठे खाए हमने साथ मिल के, पराठे इनके याद रहेंगे हमेशा। हमारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि अपने वाइफ के चक्कर में हमारी फ्रेंड साथ तोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है ARTE और ARME यानी मेडिकल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों डेट है आज 15 फरवरी 2023 और मेरे को जो है श्रीगंगानगर जंक्शन से जयपुर के लिए स्पेयर कर दिया गया है। तो स्टेशन से जब स्पेयर होते हैं तो पहले डिवीजन में रिपोर्ट करनी होती है, तो आज जो है मैं डिवीजन में रिपोर्ट करूंगा बीकानेर डिवीजन में, उसके बाद में डिवीजन वाले मेरे को जयपुर के लिए स्पेयर करेंगे, तो वहां पे आज का पूरा दिन लग जाएगा। वैसे स्पेयर मेरे को जो है कल ही 14 फरवरी को कर दिया गया था आफ्टरनून, क्योंकि दिन में तो मेरी 6 से 14 ड्यूटी थी, उसके बाद मेरे को यहाँ पे स्पेयर कर दिया गया था। अब जो है मैं पहले बीकानेर जाऊंगा, बीकानेर वाले मेरे को वहां पे स्पेयर करेंगे जयपुर के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान तो मैं साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे को पहले अपने डिवीजन पे जाना होगा, उसके बाद फिर हेडक्वार्टर जो अपना डिवीजन है जयपुर वहां पे जाना होगा, तो मैं सामान सारा यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ सामान जो है इम्पोर्टेंट है, कपड़े वगैरह है, वो सामान जो है मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी सारा सामान यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कौन कौन सा सामान मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और कौन कौन सामान छोड़ के जा रहा हूँ। दोस्तों मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, जो 2 बैग है और 1 पिट्ठू बैग है, तो ये टोटल 3 आइटम है ये लेके जा रहा हूँ। एक में कुछ कपड़े वगैरह है और एक में जो गिफ्ट वगैरह मिले हैं मेरे को यहाँ पे दोस्तों ने दिए, साथियों ने दिए, वो लेके मैं जा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ जो है मैं लेके जा रहा हूँ। इसके बाद में सारा सामान मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया है, ये 3-4 कट्टों के अंदर मैंने सारे बिस्तर वगैरह हैं या बर्तन वगैरह हैं सारे आइटम इनमें डाल दिए गए हैं। बाकी जो 4-5 वगैरह हैं जो अपन सामान ले नहीं जा सकते, कूलर वगैरह हैं, वो यहीं पे साथियों को दे दिए हैं, जो साथी काफ़ी सारे साथी यहाँ पे नए आए हैं। और बोर्ड भी मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो देख पा रहे होंगे इनपे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर, तो इसको फिलहाल भी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। बाद में देखूंगा किसी ट्रेन में मैं इनको मंगवा लूंगा। और ये चेयर वगैरह है सारा कुछ और बाकी सामान यही साथियों को दे दिया है, यही सामान मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने ज़्यादा सामान यहाँ पे पहले से ही नहीं लाया था, क्योंकि मेरे को पता था भाई मेरे को यहाँ से ट्रांसफर लेना ही है, तो ये आप देख पा रहे होंगे इतने सामान मैं ले जा पाऊंगा यहाँ से। दोस्तों मैं जो है क्वार्टर से निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए और ट्रेन आ चुकी है, 20 मिनट ट्रेन लगभग, तो वहाँ पे कुछ साथियों से मिलना है, तो अभी जो है मैं निकलता हूँ क्वार्टर से स्टेशन के लिए। फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब ट्रेन लगी हुई है हमारी, 7:50 पे चलना है और 10 मिनट अभी बाकी है, तो कुछ 10 मिनट में दोस्तों से मिल लेते हैं। ये लोको पायलट साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, शैलेश जी है। आज लास्ट डे है गंगानगर में, गंगानगर स्टेशन जो है बहुत शानदार रहा, पिछले 5 सालों से यही काम कर रहा था और बड़ा ज़बरदस्त था स्टेशन, बड़ा बढ़िया स्टाफ था, तो सभी को बहुत मिस करेंगे। में सभी स्टाफ का मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी अलग अलग शिफ्टों में ड्यूटी चलती है, तो जो भी अभी ड्यूटी पे हैं स्टाफ में, ये हमारे सेंट मास्टर बाबूलाल जी और वो सेंटिंग स्टाफ में है, अपने पॉइंट्स पे हैं विजय शैलेश जी और पीछे हैं लोको पायलट मंदीप जी, ठीक है। आज हमारे सर की विदाई हो रही है, लास्ट डे हमारा आज, हमारे सर का हमारे साथ में, तो अच्छा तो नहीं लग रहा जाते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उसका घर है वो तो अपने घर के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी दिल से कारण जरूर मिस करेंगे, क्योंकि एक हमारे बड़े भाई के तौर पे जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो उस तरह इन्होंने हमारा ख्याल रखा और आज हमारे साथ छोड़ के जा रहे हैं, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, खुशी खुशी विदाई देंगे सर को। ठीक है विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे 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 मुझे आगे लक्ष्मण लक्ष्मण जी हमारे सीनियर लोको पायलट सेंटर का बहुत बहुत पराठे खाए हमने साथ मिलके, पराठे इनके याद रहेंगे हमेशा। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल, रवि के साथ ही मिलते हैं फिर, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। और अब जो है ट्रेन चल पड़ी है हमारी और स्टेशन को बहुत मिस करेंगे, काफ़ी शानदार स्टेशन था। ये
हमारे CHI साहब है जो अभी हमें ट्रेन में मिले हैं, काफी शानदार इनका व्यक्तित्व रहा है और काफी इन्होंने हमें गाइड किया है, इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा हमेशा में। ये केसरी सिंह पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक पंचमैन जो है हमारे स्टेशन में पहले कार्यरत थे पवन कुमार जी, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये पवन भाई है, हमारे स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग थी पहले और अब ये केसरी सिंहपुर में है, तो जा रहा था अभी तो से मिलकर काफी अच्छा लगा। ठीक है, जा रहे हैं ये बीकानेर, ट्रांसफर हो गया जयपुर। हाँ। बहुत बहुत बधाई आगे के भविष्य के लिए इनको, आपको भी बहुत रहेंगे, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हाँ। और आप जल्दी स्टेशन मास्टर बनो या और कोई कंपनी एग्जाम देके अच्छी जॉब पे लगो, ये हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ रहेगी। और काफी अच्छे नेचर के हैं पवन भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। ये कानाराम जी जा रहे हैं, मेरे स्टेशन पे रुके थे, मैंने ही बुलाया था इनको, रवाना हो रहे हैं ये, हेडक्वार्टर जा रहे हैं बीकानेर, वहाँ से स्पेयर जयपुर जाएंगे। ये हमारे लोको पायलट सुभाष जी और कपिल जी, सूरतगढ़ स्टेशन पे से मुलाकात हुई, हमारे स्टेशन पे पहले कार्यरत थे, काफी अच्छा इनका व्यवहार रहा। और सुभाष जी तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। देखो ये हमारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है अपने वाइफ के चक्कर में हमारी फ्रेंड तोड़ के जा रहे हैं। सही है। बस मजे हो रहे हैं भाई। ये हमारे साथी स्टेशन मास्टर श्री राम निवास माजू जी, सूरतगढ़ स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग है और हमारे बेच के हैं, इनसे अभी मुलाकात हुई है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। आज सेक्शन में लगभग सभी स्टेशनों पे हमारे जानकार है, सभी लोगों को जो पता लगा है कि हम जा रहे हैं तो हमसे मिलने स्टेशन पे आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा, आप सभी लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। आज ट्रेन जो है सूरतगढ़ में काफ़ी देर खड़ी रही, पावर में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लगभग 45 मिनट यहाँ पे खड़ी रही, तो काफ़ी सारे दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात हुई है, अब जो है ये बीकानेर के लिए चल पड़ी है। ये है OHE निरीक्षण यान, जो आपके अधिकारी वगैरह जो है OHE के दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है ARTE और ARME यानी मेडिकल यान, जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है आसपास में कहीं भी सेक्शन में तो ये गाड़ियाँ सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है, और ये जो है सभी जगह नहीं होती है, आपके बड़े कुछ नॉमिनेटेड स्टेशनों पे ही होती है, जैसे कि इधर बीकानेर डिवीजन में बात करें तो सूरतगढ़ में है और एक दो जगह और होती है, बाकी सभी जगह ये नहीं होती है। तो ये है मेडिकल यान,